मैं अपने हस्बैंड को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, अपने अगस्त्या के डैडी को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि कुकिंग में वो जीरो हैं, लेकिन खाना उन्हें बहुत पसंद है और उनका फेवरेट फूड है गोलगप्पे। तो गलती से अगर मुझे उन्हें किचन में भेजना पड़े कुछ बनाने के लिए, तो मुझे पता है कि वो एक ही चीज बना सकते हैं, गोलगप्पे। तो इसलिए आज मैंने अपनी फाइनल रेसिपी, बनाते हैं रियल गोलगप्पे। यूजुअली गोलगप्पे के मिक्सचर बनते हैं आलू के साथ, राइट? लेकिन हम यहाँ पे कुछ अपना मैजिक लाएंगे। हम इसे बनाएंगे बाली के साथ, यानी कि जौ। ये ज्यादा हेल्दी है और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी अलग आएगा। इसे गर्म हो जाए पानी, इसमें आप ये सोक्ड बाली यानी कि जौ डाल दीजिए। अंदाज अनुसार, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। ये मद्रास करी पाउडर। जब तक ये पकता है, हम क्या करेंगे? हम बनाते हैं द मोस्ट यमी पार्ट ऑफ द गोलगप्पा, उसका पानी। पर इसे हम कैसे बनाएंगे? यही तो आता है मम्मी का मैजिक। हम पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे रियल का अनार का जूस, यानी कि पोमोग्रेनेट जूस। इसे हम एक बोल में निकालेंगे। अनार तो आपको पता ही है कितना हेल्दी होता है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा नींबू का जूस और थोड़ा सा काला नमक। ये काला नमक वो चाट वाली फील देगा, टेस्ट देगा, हल्का सा खट्टापन लाएगा। एंड ऑफ कोर्स नींबू भी हमने उसी के लिए डाली है, खटास के लिए। अब इसे मैं फ्रीजर में डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। ऑलराइट, अब ये जब तक चिल्ड होता है, देखें हमारा जो हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं उसका क्या सिचुएशन है। बस ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ी देर में ये पक जाएगा। अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और उसमें बाकी के जो मिक्सचर हम तैयार करने वाले हैं, जिस तरह से तैयार करने वाले हैं, वो शुरू करते हैं। पहले हम उसमें डालेंगे सोक किए हुए बॉइल्ड काबुली चने। फिर इसमें हम डालेंगे बारीकी से कटे हुए प्याज। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जिसे मैंने पहले से ही जिसके सीड्स निकाल दिए हैं एंड बारीकी से काट लिया है। डालेंगे इसमें बारीकी से कटे हुए हरे क्रेप। तो देखा किस तरह से हम एक चटपटी रेसिपी को भी हेल्दी बना रहे हैं बच्चों के लायक। हल्का सा आप देगी मिर्च डालिए, कश्मीरी मिर्च, जो कलर लाएगा, लेकिन कड़वाहट नहीं, यानी कि मिर्ची नहीं है इसमें, पर हल्का सा कलर देगा। और ये है भुना हुआ जीरे का पाउडर। फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक और डालेंगे। आप चाहें तो रेगुलर नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे धनिया। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जौ। अब जो जौ मैंने पकाया था उस समय, वो पक के इस तरह हो जाएगा और फिर उसे आप रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब इसे हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। चलिए अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे बनाना हमारे गोलगप्पे। हमारा यमी गोलगप्पे का पानी भी तैयार है एंड नाइस एंड चिल्ड है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे ये लवली शॉट ग्लासेस। ओके, अब हम लेंगे हमारा ये पोमोग्रेनेट जूस रियल का, जो हमने जिसमें हमने अपना गोलगप्पे वाला मिक्सचर डाला है। अब क्या करेंगे? अब हम पूरी को इस तरह से तोड़ेंगे। इसमें डालेंगे हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसे। एंड इसे रख देंगे इस तरह से। ओके, अब हम इसे लगाएंगे इस तरह से।
चार सर्विंग्स रियल गोलगप्पे बनाने के लिए एक पैन में पानी को उबाल के उसमें एक कप बाली, स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा चम्मच मद्रास करी पाउडर डालें और 5 से 10 मिनट पका लें। गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए एक बोल में 200 ml अनार जूस, एक बड़ा चम्मच नींबू का जूस, एक छोटा चम्मच काला नमक डालें और फ्रिज में ठंडा कर लें। अब एक दूसरे बोल में एक कप उबले काबुली चना, आधा कप प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कप बारीक कटे हुए टमाटर, एक चौथाई कप बारीक कटे हुए ग्रेप्स, एक छोटा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डाल के मिलाएं। फिर बाली के मिक्सचर को डालें और अच्छे से मिला लें। फिर अनार जूस के मिक्सचर को छोटे ग्लासेस में डालें। अब पूरी लेके उसमें मिक्सचर को भरें और छोटे ग्लासेस के ऊपर रख कर मजेदार रियल गोलगप्पे सर्व करें।